डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक, जो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आती है, और इसको मैं विद एग्जांपल जो है वो इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि अगर ये चीज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम, इवन आपको इंटरव्यूज में भी पूछ लें, तब भी आप इजीली और बेस्ट आंसर दे सकते हो। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दी है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक में। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है कि स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक इज यूज टू डिजाइन व्हाइट बॉक्स टेस्ट केसेस। तो व्हाइट बॉक्स टेस्ट केसेस, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जहां पे हम इंटरनल स्ट्रक्चर को टेस्ट करते हैं, जहां पे हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जहां पे डेवलपर जो है वो प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखने के साथ साथ टेस्टर जो है वो भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखता है, और वो क्या करता है, टेस्ट केसेस जो है वो डिजाइन करता है, ताकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से टेस्ट कर सकें। तो स्टेटमेंट कवरेज का एक्चुअल में मतलब क्या है ना, कि ऑब्वियसली जो मैंने सॉफ्टवेयर लिखा है, जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, उसके अंदर बहुत सारी क्या होंगी, स्टेटमेंट्स होंगी, ऑब्वियसली लाइन ऑफ कोड उसमें लिखे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, उन स्टेटमेंट्स को कवर करना है, मतलब कि हमारी पहुंच कहां तक है, मतलब जो डेटा मैं इंसर्ट कर रहा हूं, जो इनपुट मैं उस सॉफ्टवेयर को दे रहा हूं, वो आउटपुट में मेरे को कुछ ना कुछ तो देगा, लेकिन वो आउटपुट जो है वो कितनी स्टेटमेंट्स को कवर करने के बाद आई है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द सोर्स कोड एटलीस्ट वंस। मतलब हमारा टेस्ट केस जो है, जो डेटा हम इंसर्ट करने जा रहे हैं, वो इस तरीके का होना चाहिए कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कोड्स है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लाइंस है, जो स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं सोर्स कोड में, वो कवर हो जाए। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स का। अब इसमें देखो, आपको सबसे पहले लाइन ऑफ कोड, ये आप ये मत कहना कि सर इसमें हैश इंक्लूड नहीं लिखा, ये नहीं लिखा, जस्ट एक तरह से सूडो कोड, एक बेसिक सा मैंने आपको कोड लिखा है। तो यहां पे देखो, नंबर ऑफ लाइंस आपको कितनी दिख रही है, टोटल 10। तो नंबर ऑफ लाइंस आपके पास टोटल कितनी है यहां पे, 10। अब लेट से मैंने एक केस बनाया, एक डेटा जो है वो मैं इंसर्ट कर रहा हूं, जहां पे मैं n1 की वैल्यू दे रहा हूं 30, n2 की वैल्यू दे रहा हूं 20, n3 की वैल्यू दे रहा हूं 10। मतलब n1, n2 और n3 की वैल्यू जो है वो मैं ये पास कर रहा हूं। तो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, मेन ब्रैकेट int n1, n2, n3, उसकी वैल्यू लेट से मैंने ये दे दी। अब इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ट्रू है, यस। 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ट्रू है, मतलब दोनों स्टेटमेंट, ये भी ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई, और बीच में क्या है, एंड है। तो ट्रू एंड ट्रू, ऑब्वियसली क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि एंड जो है वो जब दोनों तरफ ट्रू होता है तभी वो ट्रू देता है, अदरवाइज वो फॉल्स देता है। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। ओवरऑल इफ अगर ट्रू हो गया तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाके क्या कर देगा, n1 इज द लार्जेस्ट वैल्यू नंबर, और 30 जो है वो आउटपुट में आ जाएगी। मतलब आपका प्रोग्राम यहां पे कंप्लीट हो गया, आउटपुट आपके पास सही आ गई, आउटपुट सही आ गई। हमें ये नहीं देखना कि आउटपुट सही आ रही है नहीं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि मैंने कितनी स्टेटमेंट्स को कवर किया। तो देखो, जब आपने ये डेटा दिया तो आपने कितनी स्टेटमेंट को कवर किया, 1, 2, 3, 4, 5। 5 के बाद डायरेक्ट आपका जो है आउटपुट आ गई, और आप सीधा क्या चले गए, आउट ऑफ द इफ चले गए, ठीक है ना। तो इफ से बाहर आके आपने जो है वो वैल्यू एक तरह से 30 आउटपुट में दे दी। अब यानी आपका स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक क्या कहती है, कि मेरा रेशो क्या है यहां पे, 10 जो थी वो क्या थी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, उसमें से कवर कितनी हुई, एक तरह से आप कह सकते हो 5 जो है वो कवर हुई। तो आप क्या बोलोगे, 5 भी कह सकते हो, लेट्स से आप ये भी कह सकते हो कि लास्ट में ये वाला ब्रैकेट भी कवर हुआ, बट ओवरऑल जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूं। तो ये आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी आपके पास क्या आया, 50% कवरेज, मतलब आपका 50% जो है वो कवरेज हुआ। अब लेट से मैं डेटा को थोड़ा चेंज कर दूं, डेटा को लेट से मैंने ले लिया 10, 20, 30। अब देखो, 10
greater than equal to 20, क्या ये true है? False हो गया, ये false हो गया, तो next वाले पे जाएगा ही नहीं, but इस statement को execute गया, और यहाँ पे क्या हुआ, एक तरह से ये false हो गया, तो else if में चला गया, else if में जाएगा, तो ये वाली statement आपकी execute नहीं होगी, 5 number statement आपकी execute नहीं हुई, पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी, चौथी, चौथी में आपने ये यहाँ पे false कर दिया, false करते ही 5 यहाँ से निकल गया, 6 पे चला गया, else if, n2 की value क्या है यहाँ पे, n2 की value है 20, 20 greater than 10 है, हाँ है, but 20 greater than n3, तो यहाँ पे n3 की, अच्छा n1 की value यहाँ पे क्या ली थी, हमने 30 ली थी, तो क्या 20 greater than 30 है, ये भी false हो गया, तो यानी आपका ये printf पे control आएगा ही नहीं, और आप सीधा कहाँ पे चले गए, else part में चले गए, तो else part में गए, तो आपने क्या कर दिया, n3 is the largest value, तो n3 जो है वो largest value है, मतलब 30 जो है वो यहाँ पे print हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, output आपको आ गई, output आपको मिल गई, लेकिन यहाँ पे आपकी ये भी cover हो गई, ये भी cover, लेकिन दो statement यहाँ पे cover नहीं हुई, तो यानी आप यहाँ पे अब क्या कह सकते हो, ratio क्या ही, total थी आपकी 10, और उसमें से आपकी दो एक तरह से आप कह सकते हो cover नहीं हुई, तो यानी आप कह सकते हो यहाँ पे 80% जो है वो आपका यहाँ पे coverage हुआ, तो यानी पहले से आप बेटर स्टेटमेंट में चले गए, बेटर वैल्यू पे चले गए, तो एक तरह से आपका बस यही पर्पस है स्टेटमेंट कवरेज का, कि आप मैक्सिमम स्टेटमेंट्स को कवर करने की कोशिश करो, आपका टेस्ट केस इस तरीके का होना चाहिए, बस मेन कहानी यही है। सो इट इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट इन द सोर्स कोड आउट ऑफ टोटल स्टेटमेंट प्रेजेंट इन द सोर्स कोड, जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। दिस टेक्निक कवर्स द डेड कोड, अनयूज्ड एंड ब्रांचेस, मतलब अगर आपके कोड के अंदर कोई ऐसा सब कोड है जो कि डेड है, डेड मतलब जहां पे कंट्रोल आ ही नहीं रहा, अनयूज्ड है, जहां पे कंट्रोल आ ही नहीं रहा, तो ऑब्वियसली हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको बाहर निकाल सकते हैं, या फिर ब्रांचेस है जैसे go to होता है ना, कि if this else go to this, मतलब आप normal execution कर रहे हो sequentially, लेकिन go to की वजह से या break की वजह से या return की वजह से क्या होता है कि आप branch मतलब jump करके कहीं और चले जाते हो, तो उन सभी चीजों को आप यहाँ पे एक तरह से cover कर सकते हो, तो ये technique है। और बाकी अगर आपको ज़्यादा detail में करना है कि dead code क्या होता है unused, तो आपको ऊपर जो है वो आपको सुजेस्टेड वीडियो में उसका लिंक जो है वो दिख रहा होगा, क्योंकि ये पार्ट एक्चुअल में कंपाइलर डिजाइनर का है, वैसे मैंने इसको भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आपको आई सेक्शन में भी मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट कवरेज टेक्निक। थैंक यू।